छात्रों, वही खाता लेखाकरण कक्षा 12वीं में आप सभी का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी इकाई 2 के अंतर्गत साझेदारी क्या कहलाती है, साझेदारी फर्मों के लेखांकन किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में अभी हमने अध्ययन किया था, जिसमें साझेदारी का जन्म, साझेदारों के खाते, उनके लाभहानि नियोजन खाते, साथ ही जो ख्याति है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और अब हम यहाँ पर इकाई अध्याय 3 के अंतर्गत साझेदारी के पुनर्गठन पर चर्चा यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो साझेदारी का पुनर्गठन, इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जैसे साझेदारी का जो जन्म होता है वो साझेदारों के बीच में आपस में उनके समझौते के द्वारा जन्म होता है, और इसके अंतर्गत संलेख का निर्माण किया जाता है, और उस संलेख के अनुरूप जो है साझेदारी फर्म जो है वो कार्य करती है। अब इस स्थिति में यदि साझेदारों के बीच किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, यदि साझेदार विद्यमान लाभहानि अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, साझेदारी का जो पुराना समझौता है वो क्या होता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर साझेदारी का फिर से नया गठन किया जाता है, जिसको ये कहते हैं हम पुनर्गठन, अर्थात पुरानी साझेदारी को ही हम पुनः नए रूप में फिर से गठित करते हैं, वो है आपकी साझेदारी का पुनर्गठन। तो इस पुनर्गठन के अंतर्गत हम यहाँ पर जानेंगे कि लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, ये क्या है, विद्यमान साझेदारों के बीच जो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ है उसको देखेंगे, फिर त्याग और प्राप्ति अनुपात से क्या आशय है, एक साझेदार के जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो या तो वो दूसरे साझेदार के लिए कुछ त्याग करता है या उसको कुछ प्राप्त होता है, तो ये क्या है, इसको हम जानेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात। साथ ही हम देखेंगे त्याग और प्राप्ति की गणना किस प्रकार से हम करेंगे, हम इसको जानेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे हम साझेदार का पुनर्गठन की स्थिति में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो जैसा कि अभी बताया कि साझेदारों के बीच यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो क्या होता है, साझेदारी फर्म का फिर से पुनर्गठन होता है। अब ये पुनर्गठन जो है ये किन किन दशाओं में या किन किन स्थितियों में होता है इसको हम देखते हैं। जैसे नंबर एक है, विद्यमान साझेदार मतलब जो साझेदार अभी हैं उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, यदि सभी साझेदार मिलकर आपस में चाहते हैं कि अभी तक हमारा जो लाभ हानि अनुपात था अब हम उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। दूसरी स्थिति आती है किसी साझेदार का साझेदारी फर्म में प्रवेश करने पर। अब मान लीजिए पूर्व में 4 साझेदार थे, अब यदि एक साझेदार और आ गया तो कुल मिला के यहाँ पर 5 साझेदार हो गए। अब इसके पहले जो समझौता था वो कितने साझेदारों के बीच में था, 4 साझेदारों के बीच में, तो यहाँ पर अब जब 5वां आ गया तो फिर से क्या होगा, साझेदारी का फर्म का पुनर्गठन होगा। तो ये दूसरी स्थिति है जब कोई नया साझेदार आता है। तीसरी स्थिति होती है कि यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, रिटायर होता है यदि कोई साझेदार, तो उस स्थिति में जैसे पहले 4 साझेदार थे, अब मान लीजिए एक रिटायर हो रहा है तो बचे 3, तो अब इस स्थिति में भी फर्म का क्या होगा, पुनर्गठन होगा, साझेदारी का पुनर्गठन होगा। फिर इसके अलावा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में भी एक साझेदार क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब एक साझेदार कम हो गया तो इस स्थिति में जो साझेदारी फर्म है यहाँ पर भी फिर से पुनर्गठन उसका किया जाएगा। फिर इसके बाद अंतिम है साझेदारी फर्म का किसी अन्य साझेदारी फर्म में विलय होने पर। अभी जो करंट में जो साझेदारी फर्म है यदि इसको हम किसी अन्य साझेदारी फर्म के साथ जोड़ देते हैं, उसमें विलय कर देते हैं, तो इस स्थिति में भी यहाँ पर उस फर्म का क्या होगा, पुनर्गठन होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने 5 प्रकार की स्थितियाँ हैं। इन 5 स्थितियों में एक फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत
यहाँ पर हम सिर्फ अभी अध्ययन करेंगे विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। तो ये हम जानते हैं कि जो साझेदार अभी हैं उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की स्थिति में क्या होता। तो यहाँ विद्यमान साझेदार मतलब जो अभी साझेदार हैं उनके लाभ हानि अनुपात में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन के कारण साझेदारों के आपसी संबंधों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इस दशा में फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन किया जाता है। तो आपसी संबंधों में परिवर्तन की आवश्यकता साझेदार द्वारा पूंजी योगदान में वृद्धि के कारण या किसी साझेदार के प्रबंध में सक्रिय भाग न लेने अथवा किसी अन्य कारण से हो सकती है। तो इस कारण से लाभ हानि अनुपात में जो है एक या दो या एक से अधिक साझेदारों के अतिरिक्त लाभ या अन्य साझेदारों के त्याग पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि जब आपस में साझेदार लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं तो फर्म का पुनर्गठन होता है। और इसमें यहाँ पर यदि कोई किसी साझेदार के द्वारा पूंजी में वृद्धि की जा रही है या कोई साझेदार प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तो यहाँ जो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो इसमें अतिरिक्त लाभ के रूप में साझेदार के त्याग पर मिल जाता है। यहां हम देखेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात। जब विद्यमान साझेदार यहां हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पर हम इसको समझेंगे। यदि आ बा और सा जो लाभ हानि के 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं और उन्होंने लाभ हानि को आपस में बराबर बराबर बांटने का फैसला किया है तो इस दशा में साझेदारी के लाभ में होने वाले भाग में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा और इस कारण साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे विद्यमान साझेदार आवासा हैं जो पहले 3:2:1 में अनुपात में बांटते थे, अब ये बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, साझेदारी फर्म का क्या होगा, पुनर्गठन हो जाएगा। अब इस प्रकार ऐसी कोई भी दशा जिसके कारण विद्यमान साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो ऐसे कारणवश साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। अर्थात किसी साझेदार को लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से लाभ होगा या अन्य किसी साझेदार को हानि। तो यहाँ हम जब परिवर्तन करते हैं तो इस स्थिति में किसी साझेदार को लाभ के रूप में वृद्धि होगी और किसी साझेदार को हानि होगी। ऐसी दशा में किसी एक साझेदार को इस प्रकार के परिवर्तन से होने वाली हानि को अन्य साझेदार जिसे लाभ हो रहा है उसके द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाना चाहिए। अब यहाँ पर अनुपात में यदि लाभ उसका कम हो रहा है, हानि हो रही, तो जिसको लाभ हो रहा है उसके द्वारा क्या की जाएगी, क्षतिपूर्ति की जाएगी। यहाँ अनुपात में परिवर्तन होने का आशय यह है कि लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार वास्तव में वह अतिरिक्त लाभ का अंश अन्य साझेदार से क्रय कर रहा है। तो यहाँ जिसको लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो जिसको लाभ प्राप्त हो रहा है इसका मतलब वो क्या है कि दूसरे साझेदार का जो भाग है वो उसके द्वारा खरीदा जा रहा है। इस प्रकार लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार को फर्म की ख्याति में प्राप्त होने वाले भाग के बदले क्षति सहन करने वाले साझेदार को उस ख्याति के बदले कुछ भुगतान करना चाहिए। अर्थात जिसका नुकसान हो रहा है यहाँ अनुपात परिवर्तन करने में, उसको जिस साझेदार को लाभ प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा उसको ख्याति के बदले कुछ भुगतान करना चाहिए। इस कारण साझेदार में समानता बनाए रखने हेतु आवश्यक है कि ख्याति में समायोजन, संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन एवं संचय व अतिरिक्त लाभ का समायोजन किया जाए। अब यहाँ पर जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो निम्न तत्वों को हमें इसमें देखना है ध्यान से। पहला, त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण करना। जब हम यहाँ पर सवाल को करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्याग और प्राप्ति के अनुपात तय करेंगे, फिर ख्याति में समायोजन। अब यहाँ पर जो त्याग और प्राप्ति का जो अनुपात है उस आधार में ख्याति को हम एडजस्ट करेंगे, फिर संचय एवं अवतरित लाभ में समायोजन। इसी प्रकार त्याग अनुपात का जो हिस्सा है उसको हम संचय अवतरित लाभ में यहाँ समायोजित करेंगे और अंतिम संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ उदाहरण से हमने जाना कि पुनर्गठन की स्थिति में हम किस प्रकार से हिसाब किताब करते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि त्याग और प्राप्ति अनुपात क्या है।
सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेटियो। तो यहाँ जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के कारण किसी एक साझेदार का या एक से अधिक साझेदारों के लाभ के हिस्से में कमी हो जाती है और किसी एक साझेदार या साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो ये पाते हैं कि कोई एक साझेदार या एक से अधिक साझेदारों के लाभ के हिस्से में क्या हो जाती, कमी हो जाती। तो जिनके कमी हुई उनको छोड़ के बाकी के हिस्से में क्या होता है, लाभ अनुपात में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो किसी के अनुपात में कमी होती, किसी के लाभ में वृद्धि होती। अब यहाँ पर उसने कुछ लाभ का त्याग किया, वह जिस साझेदार या साझेदार के लाभ में वृद्धि हुई उन्हें लाभ की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर जिस साझेदार के लाभ में वृद्धि हुई है उसे क्या हुआ है, लाभ की प्राप्ति हुई है, और जिसके लाभ अनुपात में कमी हुई है उसने लाभ का त्याग किया है। तो इस प्रकार साझेदार का त्याग जो है अन्य साझेदारों की प्राप्ति के बराबर होता है। तो यहाँ पर जिस साझेदार के द्वारा त्याग किया जाता है उतना त्याग किया हुआ हिस्सा अन्य साझेदारों की प्राप्ति के बराबर होता है। यहाँ इसका सूत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे त्याग अनुपात। जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक साझेदार किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने अंश या भाग का कुछ समर्पण करते हैं। तो समर्पण भाग का अनुपात ही यहाँ त्याग अनुपात कहलाता है। इसकी गणना जो है हम इस प्रकार से करेंगे, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 3:2:1 में उनका पुराना अनुपात था जिसमें वो लाभ हानि बांट रहे थे। अब यहाँ मान लीजिए तय कर लेते कि बराबर बराबर लाभ प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए 3 साझेदार हैं तो प्रत्येक अनुपात हो गया 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ हम पुराने अनुपात में प्रत्येक साझेदार का लेंगे, ए साझेदार का 3/6 -1/3, बी का 2/6 -1/3, और तीसरा का जो है 1/6 -1/3। इस प्रकार से यहाँ त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नए अनुपात। तो यहाँ जब गणना करते हैं तो ये देखना है हमें कि साझेदार जिन्हें लाभ हानि अनुपात में कुछ प्राप्त हो रहा है वे त्याग करने वाले साझेदार को कितनी क्षतिपूर्ति करेगा। यह क्षतिपूर्ति वह ख्याति के रूप में लाकर करेगा। तो ये आपका त्याग अनुपात। इसी प्रकार से प्राप्ति अनुपात लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप एक या एक से अधिक साझेदारों को अन्य साझेदार के लाभ में से कुछ हिस्सा प्राप्त होता है। लाभ की प्राप्ति का अनुपात ही क्या है, प्राप्ति अनुपात कहलाता है। तो यहाँ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ हमने जाना कि त्याग और प्राप्ति अनुपात क्या होता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कुल त्याग बराबर कुल प्राप्ति, अर्थात जिन साझेदारों के द्वारा जितना त्याग किया गया उन साझेदारों को छोड़कर जो दूसरे बचे साझेदार हैं उनके द्वारा कुल प्राप्ति जो हुई है ये कुल त्याग के क्या होगी, बराबर होगी। इस तथ्य को हम एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि माना कि एक साझेदार फर्म में 2 साझेदार आ और बा हैं जो लाभ हानि को अभी यहाँ 3:2 में बांटते हैं। अब वे लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटते हैं। इस प्रकार आ जो अब तक 3/5 भाग लाभ प्राप्त कर रहा था उससे अब लाभ में मात्र 1/2 भाग प्राप्त होगा। यहाँ पर आ साझेदार जो है 3:2 के हिसाब से आ को मिलता था हिस्सा 3/5, क्लियर। बा को मिलता था 2/5। अब यहाँ पर अनुपात वो परिवर्तित कर रहे हैं और अब प्रत्येक जो है 1/2 भाग प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर आ के द्वारा जो लाभ का त्याग हुआ, आ का लाभ कितना है 3/5, एक ही गणना हम यहाँ कर रहे हैं 3/5, इसमें से अब नया अनुपात 1/2 बराबर बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ हमने इसको हल किया तो 6-5/10 बराबर 1/10। तो यहाँ पर लाभ का जो त्याग है वो कितना है 1/10। इसी प्रकार बा जिसे अब तक लाभ में 2/5 भाग प्राप्त हो रहा था वो अब उसे नए अनुपात के अनुसार 1/2 लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ बा को अतिरिक्त लाभ में प्राप्ति होगी 1/2 -2/5 बराबर
फाइव माइनस फोर आवलिक टेन बराबर वन आवलिक टेन भाग। इस प्रकार बा को नए लाभ हानि अनुपात के अनुसार एक बटे दस की भाग की प्राप्ति हो रही है। इस अतिरिक्त लाभ को ही हम प्राप्ति अनुपात कहते हैं, जो कुल त्याग अनुपात के बराबर होगा, अर्थात त्याग अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात। तो यहाँ आ के द्वारा जो त्याग हो रहा था वो एक बटे दस और बा द्वारा जो प्राप्ति की जा रही वो एक बटे दस, अर्थात आ ने एक बटे दस का हिस्सा जो छोड़ा वो किसको प्राप्त होगा, बा को। तो इस यहाँ पर हमने ये जाना कि इनके जब पुराने अनुपात में परिवर्तन होता है, नए अनुपात तय करते हैं, तो उस हिसाब से त्याग और प्राप्ति का अनुपात जो है वो किस प्रकार से होता है। ये भी देखें हम यहाँ पर साझेदारी व्यवसाय में किसी कारण नए साझेदार के प्रवेश पर व साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर व विद्यमान साझेदार द्वारा लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करने पर यह स्थिति आती है। जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तब यह अति महत्वपूर्ण है कि त्याग अनुपात व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाए। इन अनुपात की आवश्यकता ख्याति के मूल्य को बिना ख्याति खाता खोले समायोजित करने के लिए होती है। यहां हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से, आ बा और सा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। अब यहां पर उन्होंने अपना अनुपात चेंज किया है 1 अप्रैल 2019 से। अब यहाँ पर वो जो जिस अनुपात में लाभ बांटेंगे वो होगा 2:2:1। तो प्रत्येक साझेदार का हमें प्राप्ति व त्याग अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ देखिए पुराना अनुपात कौन सा है, 3:2:1। नया अनुपात हमारे सामने है 2:2:1। तो आ का हिस्सा हम ज्ञात करेंगे। आ का जो है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो पुराना अनुपात जो है 3:2:5 और 1:6, 3:6। आ का पुराना अनुपात है 3:6। बा का 2:2:4 और 1:5, तो 2:5। ये जो है किसका हिस्सा है, आ का नया हिस्सा। तो आ यहाँ पर जो है 2:5 का नया हिस्सेदार। तो यहाँ हमने पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात माइनस किया तो यह आया 15 - 12:30 बराबर 3:30 हिस्सा। अब इसी प्रकार से बा का हिस्सा निकालेंगे, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो यहाँ पर जो है 10 - 12 - 30, मतलब -2/30 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि ये हिस्सा जो है छोड़ रहा है, तो ये प्राप्ति में यहाँ पर उसको प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से सा का हिस्सा देखेंगे, सा का पुराना अनुपात है 1:6, इसमें से माइनस किया हमने नया अनुपात 1:5, तो यह 5 - 6/30 बराबर 1:30। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3:30 का हिस्सा ये त्याग कर रहा है और बा और सा जो है ये 2:30 बा प्राप्त कर रहा है किससे, ए से, और सा 1:30 हिस्सा प्राप्त कर रहा है ए से। इन दोनों का अनुपात मिलाकर जो है त्याग अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात, 3:30 बराबर 2:30 और 1:30, ये बा और सा के हैं। तो ये जो है इस सवाल के माध्यम से हमने देखा कि प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति और त्याग अनुपात हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण और हमारे सामने है, आबा एक फर्म में साझेदार हैं जो 5:3:2 में बांटते हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 5:2:3 में लाभ बांटना शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है पुराना अनुपात है इनका 5:3:2 है और नया अनुपात जो है आ बा सा का 5:2:3 है। तो यहाँ त्याग व प्राप्ति अनुपात हम ज्ञात करेंगे, सूत्र दिया हुआ है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। आ का हिस्सा जब हम देखेंगे तो आ का हिस्सा है 5:5 - 3:8 और 2:10, 5:10, और आ का नया अनुपात जो है 5:2:7 और 3:10, मतलब 5:10 उसका यहाँ भी है। मतलब पुराना अनुपात जो है उसका 5:10 है और नया अनुपात जो है उसका 5:10। तो आ का हिस्सा जब हम ज्ञात करेंगे पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0। मतलब यहाँ पर पता चलता है कि आ को जो है लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो वो त्याग कर रहा है और ना ही प्राप्त
कर रहा है। फिर बा का हिस्सा जब देखेंगे हम तो बा का अनुपात है 3/10 पुराना अनुपात, नया हिस्सा है उसका 2/10। तो यहाँ पर जो है वो कर रहा है 1/10 का त्याग। फिर सा का हिस्सा 2/10 - 3/10, सा का पुराना हिस्सा 2/10 है, नया जो है 3/10। तो यह माइनस किया हमने तो यहाँ आया -1/10। तो यहाँ इस प्रकार से ये प्राप्ति कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बा जो है 1/10 का हिस्सा त्याग कर रहा है और सा जो है 1/10 का हिस्सा प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार से बा का त्याग बराबर 1/10 एवं सा को जो प्राप्त हो रहा है 1/10। तो एक प्रश्न के माध्यम से हमने यहाँ भी जाना। एक और उदाहरण 3 देखते हैं हम। आवासा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ को 3/8, 3/8 और 2/8 में बांटते हैं। 1 अप्रैल 1999 लाभ को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। आवासा के मध्य लाभहानि अनुपात में परिवर्तन से त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। पुराना अनुपात यहाँ पर 3/8, 3/8, 2/8, नया अनुपात बराबर 1:1:1, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। आवासा का अनुपात होगा यहाँ नया वाला 1/3, 1/3, 1/3। अब यहाँ आ द्वारा जो त्याग कर रहा है देखते हैं हम कि 3/8 का हिस्सा किसका है, आ का पुराना अनुपात। तो 3/8 - नया अनुपात 1/3 बराबर, ये हमने सॉल्व किया इसको तो ये आया बराबर 1/24। और बा द्वारा त्याग, अब यहाँ पर बा द्वारा जो त्याग है, बा का पुराना अनुपात 3/8 ये और नया अनुपात 1/3। तो यहाँ जब हमने माइनस किया तो ये भी क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है 1/24 का। अब सा द्वारा प्राप्ति कितनी होगी, सा का हिस्सा जो है यहाँ पर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ पर सा का जो पुराना हिस्सा नया हिस्सा है 1/3, इसमें से हमने माइनस किया पुराना हिस्सा, तो नया हिस्सा 1/3 - पुराना हिस्सा 2/8, तो ये कितना आ गया 2/24। इस प्रकार से आ और बा प्रत्येक 1/24 भाग सा के प्रति त्याग करेंगे। बा को 2/24 भाग की अतिरिक्त प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ अभी हमने जाना कि किस प्रकार से साझेदारी का पुनर्गठन जो है इनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। एक, साझेदारी का पुनर्गठन किन स्थितियों में किया जाता है, जो भी हमने बताया था कि लाभ हानि अनुपात में यदि वो परिवर्तन करते हैं, यदि कोई साझेदार किसी नया साझेदार फर्म में आता है, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या फर्म का विलय होता है, तब पुनर्गठन किया जाता है। इसको आपको समझाना है। फिर त्याग अनुपात क्या होता है, प्राप्ति अनुपात क्या होता है, उसको आपको उदाहरण से समझाना है। फिर जो सवाल आपको दिए हैं त्याग व प्राप्ति अनुपात पर आधारित व्यवहारिक प्रश्नों को आपको हल करना है।